हे गाइस, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम जानेंगे सोडियम के बारे में, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में धातुगण विद्यमान है। इसके एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 23 और 4 रेडियो सक्रिय समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 21, 22, 24 ज्ञात है। इसकी उपस्थिति के बारे में अगर बात करें तो यह सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। यौगिक रूप में यह सब स्थानों में मिलता है। सोडियम क्लोराइड अथवा नमक इसका सबसे सामान्य यौगिक है। समुद्र के पानी में घुले यौगिकों में इसकी मात्रा 80% तक रहती है। अनेक स्थानों पर इसकी खानें भी हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी खान है। राजस्थान की सांभर झील से यह बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट भी अनेक स्थानों में मिलता है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त सोडियम के अनेक यौगिक जैसे सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड आदि विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। जर्मनी के सैक्सनी प्रदेश में स्टेसफोर्थ की खानों में इसके अच्छे स्रोत हैं। सिलिकेट के रूप में सोडियम समस्त खनिज पदार्थों तथा चट्टानों में उपस्थित रहता है, यद्यपि इसकी प्रतिशत मात्रा कम रहती है। सक्रिय पदार्थ होने के कारण बहुत काल तक सोडियम धातु का निर्माण सफल ना हो सका। 1807 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डेवी ने तरल सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया। सन 1890 में केस्टनर ने इस विधि को औद्योगिक रूप दिया। इस विधि में लोहे के बर्तन के मध्य में ताम्र या निकेल का ऋणाग और उसके चारों ओर से निकेल का धनागर रखते हैं। बेलन को उष्ण गैस द्वारा गर्म किया जाता है, जिससे उसमें रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड पिघल जाए। वैद्युत अपघटन द्वारा सोडियम धातु ऋणाग्र पर निर्मित होकर सतह के ऊपर तैरने लगती है। इससे जो पॉजिटिव सिरा होता है उस पर जाने से रोकने के लिए पॉजिटिव साइड के लोहे की बेलनाकार जाली से घेरा जाता है। आजकल तरल सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन द्वारा भी सोडियम का निर्माण हो रहा है। बात करें इसके गुणों के बारे में, सोडियम रुपहली चमकदार धातु है। वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र ही परत जम जाती है। यह नरम धातु है तथा उत्तम विद्युत चालक है, क्योंकि इसके परमाणु के बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन अत्यंत गतिशील होने के कारण शीघ्र एक से दूसरे परमाणु पर जा सकता है। इसके कुछ भौतिक स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 22.99, घनत्व 0.97 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। इसका गलनांक 97.8 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक 892 डिग्री सेल्सियस है। सोडियम धातु के परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन में सरलता से परिणित हो जाते हैं। फलतः सोडियम अत्यंत शक्तिशाली अपचायक रिडक्टेंट है। इसकी क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वात या तेल में रखते हैं। जल से यह विस्फोटक के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। वायु में यह पीली लपट के साथ जलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2O तथा सोडियम परऑक्साइड Na2O2 का मिश्रण बनाता है। हैलोजन तत्व तथा फास्फोरस के साथ सोडियम क्रिया करता है। विशुद्ध अमोनिया द्रव में सोडियम घुलकर नीला विलयन देता है। पारद से मिलकर यह ठोस मिश्र धातु बनाता है। यह मिश्र धातु अनेक क्रियाओं में अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है। इसके उपयोग सोडियम धातु का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम साइनाइड NaCN और सोडियमाइड NaNH2 के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कार्बनिक क्रियाओं में भी यह उपयोगी है। लेड टेट्राएथिल PbC2H2 के उत्पादन से सोडियम सीस मिश्र धातु उपयोगी है। सोडियम में प्रकाश वैद्युत फोटो इलेक्ट्रिक गुण है, इसलिए इसको प्रकाश वैद्युत सेल बनाने के काम में लाते हैं। कुछ समय से परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में सोडियम धातु का वृहद उपयोग होने लगा है। परमाणु रिएक्टर द्वारा उत्पन्न उष्मा को तरल सोडियम के चक्रण द्वारा जल वाष्प बनाने के काम में आते हैं और उत्पन्न वाष्प द्वारा टर्बाइन चलाने पर विद्युत का उत्पादन होता है। सोडियम के अनेक यौगिक चिकित्सा में काम आते हैं। आज के औद्योगिक युग में सोडियम तथा उसके यौगिकों का प्रमुख स्थान है। सोडियम एक संयोजक यौगिक बनाता है। सोडियम यौगिक जल में प्रायः विलेय होते हैं।
सोडियम के दो ऑक्साइड ज्ञात हैं, Na2O और Na2O2। सोडियम धातु पर 300 डिग्री सेल्सियस पर वायु प्रवाहित करने में सोडियम परऑक्साइड बनेगा। यह शुष्क वायु में स्थायी होता है और जल में शीघ्र अपघटित हो सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिणित हो जाता है। यह सुविधानुसार ऑक्सीकारक तथा अपचायक रिडक्टेंट दोनों का ही कार्य कर सकता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों से मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस क्रिया का उपयोग बंद स्थानों जैसे पनडुब्बी नावों में ऑक्सीजन निर्माण में होता है। सोडियम और हाइड्रोजन का यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके वैद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन गैस धनाग्र पर मुक्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूखी वायु में गर्म करने पर जल जाता है और जलयुक्त वायु में अपघटित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अनार्ध तथा जलयोजित दोनों दशाओं में मिलता है। इसे घरेलू उपयोग में कपड़े तथा अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम में लाते हैं। चिकित्सा कार्यों में भी यह उपयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी रासायनिक क्रियाओं तथा दवाओं में काम आता है। अनेक संरचना के सोडियम सिलिकेट ज्ञात हैं। इनमें विलेय सोडा कांच सोडा ग्लास सबसे मुख्य है। सिलिका को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के साथ उच्च दाब पर गर्म करने से यह तैयार होता है। यह पारदर्शी रंग रहित पदार्थ है जो उबलते पानी में घुल जाता है। कुछ छापे खाने के उपयोगों में इसका उपयोग होता है। पत्थरों तथा अन्य वस्तुओं के जोड़ने में भी इसका उपयोग हुआ है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम टार्ट्रेट सोडियम ब्रोमाइड सोडियम सेलिसिलेट सोडियम क्लोराइड आदि यौगिक का चिकित्सा निदान में उपयोग होता है। किसी कारण से शरीर में जल की मात्रा कम होने पर सोडियम क्लोराइड अथवा साधारण नमक के विलयन को इंजेक्शन द्वारा रक्त नाड़ी में प्रविष्ट करते हैं। अनेक प्राकृतिक झरनों में सोडियम यौगिक पाए गए हैं। इन झरनों का जल गठिया तथा पेट और चर्म रोगों में लाभकारी माना जाता है। सोडियम की पहचान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा हो सकती है। इसके यौगिक बुनसल लौ को पीला रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार का तरंग दैर्ध्य 5790 तथा 5796 एंगस्ट्रॉम है। आयन विनिमय स्तंभ आयन एक्सचेंज कॉलम द्वारा भी इसकी पहचान की जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सोडियम के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।